आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको काम कराऊंगा फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। और फंक्शंस के अलावा थोड़ा सा इफ कंडीशंस को भी कवर करेंगे। सेम कैलकुलेटर एप्लीकेशन ही मैं यूज करूंगा, लेकिन उसको मैं कन्वर्ट करूंगा एक तो इफ एल्स के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा उसके अंदर कुछ कंडीशन लगाएंगे कि वैल्यूज एम्प्टी ना हो, जिस तरह की जो जनरल चीजें आ जाती है। मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट ले लिया, प्रोजेक्ट के अंदर इसको नाम दे दिया सीएस लेक्चर 2। डेस्कटॉप प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक फॉर्म अवेलेबल पहले से मिलेगा। इस फॉर्म के ऊपर मैं यूज करता हूं यहां से एक लेबल मैंने ट्रैक कर लिया, लेबल के अलावा एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, और इसी लेबल और टेक्स्ट बॉक्स को आप अगर कॉपी करना चाहें तो कंट्रोल के साथ आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का लाजमी ख्याल रखना है कि जब आप कंट्रोल को कंट्रोल से डुप्लीकेट करें, ड्रैग करें, तो उस पर कोई कोडिंग ना की हो, उसका कोई इवेंट ना बनाओ, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, यहां पर मैंने बटन 1 लिया, इस पर डबल क्लिक किया, इसका इवेंट जनरेट हो गया। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसी बटन को कंट्रोल के साथ मैंने डुप्लीकेट कर लिया कंट्रोल से। अब इस बटन पे क्लिक करें, आपको इस फंक्शन पे लाके आ रहा है, कौन सा फंक्शन है, बटन 1 अंडरस्कोर पे। दूसरे बटन पे डबल क्लिक करें, ये भी उसी फंक्शन पे जा रहा है, ठीक है। इसके लिए फिर आप ये करें कि अगर आप बटन को सेट करते हैं कॉपी और पेस्ट थ्रू शॉर्टकट या थ्रू राइट क्लिक, जिस भी करना चाहे, इससे अगर आप इस पर डबल क्लिक करें तो अलग फंक्शन बन रहा है। लेकिन जब कंट्रोल के साथ ड्रैग किया था तो फंक्शन अलग नहीं था, सेम बन रहा था, ठीक है ना। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना होगा कि कोडिंग अगर की हुई है किसी इवेंट के अगेंस्ट तो फिर आप उसको कॉल नहीं कर सकते। इसके अंदर मैंने चेंजेस ये किए कि लेबल 1 है, लेबल 2 है, इधर ऑपरेटर आ जाएगा और इधर रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ऑपरेटर यहां से सेट किए जाएंगे और इस पे इफ कंडीशन अप्लाई की गई, सही है। पहला जो लेबल है, इस लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर इंटर फर्स्ट इंटीजर, आप ये जो नाम लिखते हैं इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर, ये टाइटल केस में होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर केसेस में होने चाहिए। लाजमी नहीं है लेकिन समझ लें शर्त है ग्राफिकल इंटरफेस की, ठीक है। अगर आप मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं, अभी टाइटल केस होते किस तरह से है, हर एक स्पेस के बाद पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा, एक तो ये ख्याल रखना। अगर कोई एब्रीविएशन है तो एब्रीविएशन को भी कैपिटल दे सकते हैं, LIC नंबर अगर है। अगर आप LIC नंबर लिखते हैं तो N कैपिटल होगा, I भी कैपिटल होगा, C भी कैपिटल होगा, और स्पेस देके नंबर में N कैपिटल आप डालेंगे। इसी तरह अगर आप इसमें जो करेक्टिंग वर्ड होते हैं, कंजंक्शन जिनको बोलते हैं, ऑफ इन टू, तो वो स्मॉल होंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो डेट में D कैपिटल होगा, ऑफ छोटा होगा, ठीक है। किसी मेन्यू को भी देख रहे हो तो कनेक्ट टू प्रोसेस डेटाबेस, टू बीच में स्मॉल लिखा हुआ है। अब यहां पर देखें एक्सटेंशन मैनेजर, एक्सटेंशन भी कैपिटल है XE और मैनेजर में M कैपिटल है। इसके अलावा यहां पर एब्रीविएशन है, क्रिएट GUID, GUID एब्रीविएशन है तो कैपिटल है। ये लाजमी नहीं होता लेकिन बेहतर है कि आप इंटरफेस को प्रॉपर बनाए। यहां पर नेक्स्ट कंट्रोल आ गया, एंटर सेकेंड इंटीजर, फिर आ गया सेलेक्ट ऑपरेटर, और फिर इसके अंदर रिजल्ट। बल्कि अभी मैं फंक्शन यूज नहीं करता, डायरेक्ट इफ कंडीशंस को यूज करूंगा, और शो रिजल्ट बटन आ गया। नेक्स्ट इसके अंदर मैं एक और प्रॉपर्टी चेंज करूंगा जिसको कहते हैं नेम प्रॉपर्टी।
नेम बेसिकली इसकी वो प्रॉपर्टी है जिससे आप इसको काम करते हैं कोडिंग में। पहले लेक्चर में मैंने लिखा था टेक्स्ट बॉक्स 1.txt, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम था। टेक्स्ट बॉक्सेस को जब आप कोई भी नेम असाइन करें तो आप क्या किया करें, शुरू में txt लिखा करें, लाजमी नहीं है लेकिन बेहतर है, ताकि जब आप कोडिंग करेंगे तो आपको पता होगा txt के साथ टेक्स्ट बॉक्सेस आ रहे हैं। इसको मैंने txt n1 नाम दे दिया। वेरिएबल्स के सारे रूल फॉलो करने हैं, कीवर्ड ना हो, रिपीटेड ना हो, स्पेस ना हो, ठीक है, इनवैलिड कैरेक्टर्स वो सारे आपने याद रखे। फिर txt n2 इसको txt रिजल्ट नाम दे दिया। इसके अलावा एक कम्बो बॉक्स है, मैं इस पेज को रन करता हूं, थोड़ा सा आप इसकी आउटपुट देख लें। कम्बो बॉक्स में से ऑपरेटर सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन इस वक्त कम्बो बॉक्स बिल्कुल खाली है। कम्बो बॉक्स में आइटम्स डालने के लिए आप क्या करें, कम्बो बॉक्स को सेलेक्ट करें, आपको बिल्कुल टॉप पे एक एरो मिलेगा, एरो पे क्लिक करें और एडिट आइटम्स के ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। यहां पर आपको ऑप्शन दे रहे हैं एंटर द स्ट्रिंग इन द कलेक्शन 1 per line, एक लाइन में एक आइटम डालें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस, ये मैंने इसके ऑपरेटर सेट डाल दिए। अब इसको रन कर लें तो आपको यहां पर इस लिस्ट में ऑपरेटर्स भी अब नजर आएंगे। एक आइटम एक लाइन में आपने डालना होता है। अब शो रिजल्ट आ गया, इस पर डबल क्लिक किया, कंडीशन में लगाता हूं इफ ब्रैकेट स्टार्ट टीएक्सटी एन वन डॉट टेक्स्ट इज डबल इक्वल टू एम्प्टी। अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट है वो एम्प्टी हो, एम्प्टी के लिए आपने क्या करना है, डबल कोट्स ओपन और डबल कोट्स क्लोज फॉर्मूला है, स्पेस पर अभी क्यों नहीं डालने, स्पेस का मतलब होता है एक स्ट्रिंग है, करेक्टर है, डबल कोट्स सिंपल डालने। मैसेज बॉक्स डॉट शो एंटर फर्स्ट इंटीजर, अब ये दो लाइनों का कोड मैंने लिखा है। पहला कोड है मैसेज बॉक्स डॉट शो। मैसेज बॉक्स डॉट शो क्या करेगा, आपको एक डायलॉग विंडो देगा जिसमें मैसेज लिखा होगा एंटर फर्स्ट इंटीजर, ये स्ट्रिंग आपने खुद लिखनी होती है। और दूसरा काम क्या करेगा, टीएक्सटी एन वन डॉट फोकस, और कर्सर भी उस टेक्स्ट बॉक्स पे चला जाएगा। मैं इसको शो रिजल्ट का, तो कर्सर किधर है, रिजल्ट पे, शो रिजल्ट कहता है एंटर फर्स्ट इंटीजर, ओके करें, जो ही ओके हुआ तो कर्सर किधर आ गया, फर्स्ट इंटीजर वाले में। फिर एल्स इफ, फिर टीएक्सटी एन टू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाए फिर दूसरी चेक करेगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो एंटर सेकंड इंटीजर, तो मैसेज दे देगा एंटर सेकंड इंटीजर का, डबल कोट्स में जो चीज है ये स्ट्रिंग है। और फिर टीएक्सटी एन टू डॉट फोकस। फिर इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या होगी, ऑपरेटर सिलेक्टेड होना चाहिए। ऑपरेटर सिलेक्टेड होने के लिए आप क्या करेंगे, कम्बो बॉक्स 1, ये इस कम्बो बॉक्स का नाम है, डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स लेस देन 0 अगर है, सॉरी ये गलत हो गया, एल्स के साथ, एल्स इफ तो मैसेज बॉक्स डॉट शो सेलेक्ट ऑपरेटर। और साथ ही कम्बो बॉक्स 1 डॉट फोकस। कम्बो बॉक्स में जब आप आइटम्स डालते हैं तो पहला आइटम 0 लोकेशन पे होता है, इंडेक्स तो याद है ना, कम्बो बॉक्स एक एरे है हमारे पास जिसमें आइटम्स पड़े हुए हैं, फर्स्ट आइटम 0 इंडेक्स पे है, सेकंड आइटम 1 इंडेक्स पे है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 इंडेक्स चलती है।
चाहे आप सी शार्प यूज करें या वीबी यूज करें, इंडेक्स हमेशा जीरो से शुरू होती है। वीबी 6 में 1 से होती थी, लेकिन जो vb.net आई है उसमें 0 से है इंडेक्स। अगर कोई भी आइटम स्ट्रक्चर्ड ना हो तो इंडेक्स लेस देन 0 होगी ना। फर्स्ट आइटम अगर सेट करें तो इंडेक्स क्या होगी? 0 होगी। फिर अगर सेकंड आइटम सेट करेंगे इंडेक्स 1 होगी। लेस देन 0 इसलिए मैंने लगाया कि अगर कोई भी आइटम स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो मैसेज दे देगा स्ट्रक्ट ऑपरेटर और कमो बॉक्स को फोकस कर देगा। फिर ऐसा गया यस तब चलेगा जब सारी वैल्यूज इंटर है। इसके अंदर यहां पे इंटीजर ले लिए ए बी और एक डबल आर, आर जो है रिजल्टेंट वेरिएबल है। इसके अंदर ए इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू 832 टीएसटी एंड 1 डॉट टेक्स्ट, ये पुराना ही कोड आ गया। B is equal to convert .232 txt and 2 dot text, दो वैल्यूज आ गई A और B, इनपुट ले ली। उसके बाद फिर अगेन नेस्टेड कंडीशन लगेगी if, if else का तो आइडिया है ना। if combo box 1 dot selected index is equal to 0 तो क्या होगा? R is equal to A plus B। अगर index number 0 selected है तो result किसके equal होगा? A plus B के। फिर else if combo box 1 dot selected index is equal to 1, अगर selected index 1 हो तो R is equal to A minus B, A minus B calculate किया जाएगा। फिर else if combo box 1 dot selected index is equal to 2, if else loop सारे C की तरह ही चलते हैं। फिर R is equal to A hysteric B, A multiply by B, फिर else if combo box 1 dot selected index is equal to 3, index 3 जो है ये index 3 जो है modulus के लिए है। R is equal to A modulus by B और last में else आ जाएगा। else के अंदर R is equal to double है नहीं बल्कि double पहले divide पहले divide के लिए conversion करनी पड़ेगी। convert dot to double A divided by convert dot to double और B और इसमें A modulus by B और आखिर में क्या होगा? यहाँ पर txt result dot text is equal to convert dot to string r, string के अंदर conversion। और इसमें outer condition है, outer condition check कर रही है इनमें से कोई खाली ना हो। मैं शोर result करता हूँ enter first integer लिखा, फिर शोर result करें message देता enter second integer, cursor उस पे चला गया। फिर मैसेज देता है सेलेक्ट ऑपरेटर, ऑपरेटर सेलेक्ट कर लें और फिर रिजल्ट कैलकुलेट कर लें। दो कंडीशंस है, एक आउटर है एक इनर है। आउटर में चेक कर रहे हैं कि खाली ना हो वैल्यूज और इनर में चेक कर रहे हैं कि ऑपरेटर कौन सा सेलेक्टेड है। ठीक है ना? सी शार्प में यह कि आपको जब आप कोडिंग करते हैं तो आपको वैलिडेशन खुद लगानी होगी, ये जो कंडीशन है। अब हरहाल जब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन या कोई भी, उसमें कोडिंग थोड़ी सी होती है लेकिन चेक्स ज्यादा होते हैं। अभी जितना भी मैंने काम किया चेक्स पर, बाकी बाद में लगाएंगे कि अगर इसमें पॉइंट डालते हैं ये तो एरर देगा आपको, क्योंकि अभी इसमें कंडीशन नहीं लगाई हुई कि डेसिमल में ना हो। नहीं, आप कमो बॉक्स में कोई भी लिस्ट डाल सकते हैं, क्वेश्चन रख सकते हैं जिस तरह लिस्ट ऑफ सिटीज है, जेंडर है, ठीक है, या क्लासेस है। जब हम डेटाबेस पे अगर काम करते हैं तो इसमें क्लासेस रख लेते हैं, ये कोई भी वैल्यू है वो तो आप रख सकते हैं, इसमें कोई भी आप इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। ठीक है ना, एडिट आइटम्स करके आप जो भी रखना चाहें। अब यार ये भी लिख सकते हैं प्लस की जगह सम लिखते हैं तो फिर प्लस करेगा,
ठीक है, इंडेक्स आपने मेन चीज डाल दी है ना, इंडेक्स जीरो प्लस के लिए है, इंडेक्स वन माइनस के लिए है, आपकी वैल्यूज और कंडीशंस मैच होनी चाहिए सर, ये लाजमी होगा इसमें, ठीक है।